यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। मैंने आज तक दुकान के बारे में सिर्फ सुना ही था कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम सब ने मिलकर ये काम कर दिखाया। जैसे तैसे ये जुड़वा डायन दुकान से तो पीछा छुड़ा लिया हमने, लेकिन भाभी डायन एकाएन का क्या, जो अभी तक इस घर में रह रही है? लेकिन चाची, उनकी वजह से ही हम दुकान को पकड़ पाए हैं। लेकिन अंश, उन्होंने जो भी किया वो तुम्हारे या हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए किया, क्योंकि वो भी डोला से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और उन्हें ये पता था अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो डोला तुम्हें मार देगी और उसके बाद मोहना का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। डोला मोहना के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर थी अंश, और इसीलिए उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोहना सुधर गई है या अब वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। रिया बिल्कुल सही कह रही है अंश, जो डायन अपनी जुड़वा बहन की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। मोहना आज भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है और उससे सबसे बड़ा खतरा तुम्हें ही है। मोहना को कैद करके रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अंश, मोहना अगर तेरी माँ है तो मेरी बहन भी है। उसे तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन तुझे तो तकलीफ में नहीं देख सकती, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। वो क्या करने वाली है, वो क्या सोच रही है, हम सब जानते हैं। इसीलिए कह रही हूं मंच, निशान जी की बात मान ले। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने का एक भी मौका जाने नहीं देते तुम लोग। हम अंश को भड़का नहीं रहे, वही बता रहे थे जो सच है। सच तो ये भी है कि पिया खुद मेरे पास चल के आई थी मदद मांगने के लिए और मैंने तुम लोगों की मदद की, लेकिन दो दिन उस दो मुही डोला के साथ क्या गुजार लिए? तुम लोग भी दो मुहे हो गए, एहसान फरामोश हो गए। डोला को तुम लोगों ने नहीं बल्कि उसके दिल ने हराया है, क्योंकि उसने तुम इंसानों पे भरोसा किया, लेकिन मोहना डोला की तरह बेवकूफ नहीं है। अब देखना ये एकाएन क्या करती है। मोहना, डायन धोखा दे सकती है लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और डोला को भी, इसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहना। भाभी डायन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ आसपास है भी या नहीं। तूने मुझे बचाया, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, इतनी ताकतवर दुकान मामूली इंसानों से इतनी आसानी से हार जाएगी। उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार किया और तूने उनका साथ दिया, तो फिर अब क्या हुआ?
तू मेरी बहन होकर भी ये सवाल पूछ रही है? मेरी बहन ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें उसका अपना फायदा ना हो। सही कहा, अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे उसके लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जान लेनी पड़े या सबसे बड़े दुश्मन की जान बचानी पड़े। तू चाहती क्या है मोना? एहसान के बदले में एहसान। मोना देखी गई? बोल क्या करना है? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है सर्पिका, तुझे उसे मेरे रास्ते से हटाना है। सर्पिका? क्या हुआ, डर गई? सर्पिका पर भगवान शिव का खास आशीर्वाद है, उसे मारना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो सर्पिका रहे ना तो? मैंने अपनी सर्पिका की शक्ति अंश को दे दी तो ये दामन नहीं रहेगा, इसके अंदर सांप का जहर भर जाएगा, फिर ये दोनों अंश को नहीं खा पाएंगी। लेकिन माँ ने मुझे इस भरोसे के साथ सर्पिका की शक्तियाँ दी ताकि मैं सर्पिका वंश को आगे बढ़ाऊँ। मैं अंश को अपनी शक्तियाँ दे दूंगी तो हमारा सर्पिका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अंश की जान चली जाएगी। मुझे माफ करना माँ। इतनी जल्दी आ भी गया? कितना भागोगी बहुरानी? मौत से भला कोई आज तक भाग पाया है? क्या हुआ पिया, तुम तो पत्नी हो ना, यमराज को भी हरा सकती हो,
तो फिर एक डायन क्या चीज है? ये डायन वृक्ष की तरह लगनी है, ये तेरा विनाश कर देगी पिया। शेरा वाली माता अपनी कृपा। जबा दादी शेर शेर माता रानी का शेर। क्या बोल रही थी तुम? डायन से मुकाबला करो, अब करो मुकाबला। बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। अंश बेटा मुझे बचा। अब तो डोला का दिल भी डोल गया। अंश बेटा मेरे भांजे पिया को बोलना हमें छोड़ दे। जब मैं अंश को छोड़ने के लिए तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी तब तुम लोगों ने सुनी थी मेरी बात? अरे हम तो डायने हैं, हमारी तो फितरत ही ऐसी है, लेकिन तू तो इंसान है, दैविक है, हमारी बहू है, सास पे वार करेगी? जब तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए मुझ पे तरह लगनी फेंकी थी तब याद नहीं आया मैं तुम्हारी बहू हूँ? आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय हो मैया की। रुक जाओ पिया। तुम इन्हें कुछ नहीं करोगी। अच्छी तू क्या बोल रहा है? तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हीरो ने पिया की जान लेने की कोशिश की? जानता हूं मां, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरी मां को मारे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी पिया। मैं जानती थी अंश बेटा, मैं चाहे जैसी भी माँ हूँ तू अपने बेटे होने के फर्ज से पीछे नहीं हटेगा, तू अपनी माँ की रक्षा जरूर करेगा। अंश की बातों में मत आओ, मत भूलो कि ये डायन है। जो लोग अच्छे होते हैं ना वो ना किसी के साथ बुरा होने देते और ना किसी के साथ बुरा करते हैं। मैं नहीं चाहता पिया कि तुम्हारे हाथ इनके खून से रंगे। अंश तू ऐसे कैसे कर सकता है? इसलिए जो भी करना है मैं खुद करूंगा।
कैसे कर सकता क्योंकि है? आप मेरी माँ हैं। मैंने आपको बार बार मौके दिए, हर बार आपको माफ किया, ये जानते हुए कि आप मुझे मारना चाहती हो। आपको सिर्फ इस घर से जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। आप मुझे मार देती ना तो शायद मैं आपको माफ कर देता, लेकिन आपने मेरी पिया पर हमला किया। भले आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आप मेरे परिवार, मेरी बीवी और मेरी वेदश्री माँ के लिए खतरा बन चुके हैं। अब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। बाबा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बुढ़िया, सर्प शास्त्र में लिखा है कि सर्पिका की शक्तियों की असली हकदार एक सर्पिका ही होती है, लेकिन अगर उसकी शक्तियां उसके पास ना रही तो उन शक्तियों पर ना उसका कोई हक रहता है और ना ही काबू। इसका मतलब वो शक्तियां कोई भी हासिल कर सकती है। ऐसे में सर्पवंश का हर सांप उन शक्तियों को हासिल करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। लेकिन पापा, वो शक्तियां तो वंश के पास है ना? यहां कैसे आए? तुम्हारी सर्पिका की शक्तियां तो मेरे पास आ गई, लेकिन वो काफी नहीं। मुझे सबसे बड़ी शक्ति चाहिए, त्रिनेत्रमणि की शक्ति जो इस पिया के पास है। इस मणि की चमक इतनी तेज होती है कि कोई उसे उठाना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता।
पिया से वो मणि हासिल करने के लिए मुझे इसके बहुत पास जाना होगा और उसका एक ही तरीका है। अंश का रूप धारण करके मैं अपना काम आसानी से कर पाऊं। त्रिनेत्र मणि इसके अंदर है और उसे हासिल करने का एक ही तरीका है, इसकी मौत। हुआ पिया? क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि कोई सोते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। हाँ, लेकिन मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। तुम्हें भी मेरी तरह इसी तहखाने में सड़ना पड़ेगा मोहना। मेरी मानो, दुकायन बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने कहा ना, दुकायन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये पाताल केतकी जरूर रोकेगी। ये पाताल केतकी डायन को रोक सकती है, मोहना को नहीं। मोहना को नहीं मतलब? क्या करोगी छुटकी? मुझे लग रहा है कि जो मैंने सोचा था, तुम्हारा अंत तो उससे भी नजदीक है।
आपको मेरी मदद की जरूरत है। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना, मैं अंश हूँ माँ। बकवास बंद करो, तुम अंश नहीं हो। ये क्या बोल रही है आप? मैं आपका बेटा हूँ, दावंश बेटा। तुम दावंश होते पाताल केतकी में इतने आराम से नहीं खड़े होते। जब तुम पाताल केतकी में आके खड़े हुए तभी मैं समझ गई थी कि तुम दावंश नहीं हो। वाह बेटा, इतना बेवकूफ और माँ इतनी समझदार। तुम एक सर्प हो जिसने अंश से सर्पिका की शक्तियाँ छीन ली। नहीं पहचाना। यहाँ क्यों आए हो? सौदा करने। तुम्हें जो चाहिए मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना हो। तुम्हें अंश चाहिए और मुझे पिया। जो मुझे चाहिए उसमें तुम मेरी मदद करो, और जो तुम्हें चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? तो तुम ही हो वो सर्प जो अंश के घर में घुसाया है। निशान सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका दामाद हूं। कोई दामाद की ऐसे खातिरदारी करता है क्या? तुम छुटकी, तुझे सौदा करते देख डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। तुझे क्या लगा था तू यहाँ से आजाद हो जाएगी और मैं यहीं सड़ती रहूंगी? वाह पूजा। हाँ माँ, निशान सर ने कहा है। ये तो अच्छी बात है, बल्कि पंडित जी भी कह रहे थे कि पूजा करवानी है, वो उसी की सामग्री लेने के लिए गए। लेकिन निशान जी किस बात की पूजा कराने को कह रहे हैं? कह रहे थे ये पूजा मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, इससे मैं आने वाले खतरों से सेफ रहूंगा। और हाँ, कह रहे थे कि पूजा के वक्त इसकी धूप करना बहुत जरूरी है। हंश, ये तो पाताल केत की है, इसकी धूप कैसे दे सकते हैं? मैंने भी उनसे यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी धूप करने से एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो मुझे हर खतरे से बचाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो ये भी कह रहे थे कि पाताल केत की अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, निशान जी कह रहे हैं तो सही ही होगा। तुम अब पूजा शुरू करें? नहीं अंश, अभी नहीं, अभी पिया थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, वो जैसे ही आएगी पूजा तब कर लेंगे ना। नहीं नहीं माँ, निशान सर ने कहा है कि ये पूजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, अगर हमने ये पूजा अभी नहीं की तो इसका मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं ना मॉम? इतने दिनों तक इस डर्टी बॉडी में रहकर तो मैं परेशान हो गई थी। मॉम,
अब इस डर्टी बॉडी का क्या करें? उसको वहीं पड़े रहने दो। इसी में है कि जब तक इस पर पाताल की इतनी का असर नहीं होता मैं इसके सामने ना हूं। जो भी हो सामने आओ। तो वो तुम हो जिसने मेरी सर्पिका शक्ति आली है। हाँ, और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहां? मैं वो दावंश, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जानना चाहते थे ना मैं यहां क्यों आया हूं? बेटे की कमजोरी सिर्फ माँ ही जानती है। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी कमजोरी नहीं बताई होती तो मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते अंश। अब तक पिया और मेरे बीच में तुम एक दीवार की तरह खड़े थे, लेकिन वो दीवार टूट चुकी है अंश। अब मैं पिया तक पहुंच जाऊंगा और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं असली अंश नहीं हूं। अंश कहां चला गया ये लड़का? लो, तुम यहां हो और क्या बात है? परेशान क्या लग रही हो? अरे देखिए ना, अंश को ये पाताल के इतकी की धूप देनी थी और अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है मुझे। मिल नहीं रहा मतलब अपने कमरे में होगा। रुको, मैं बुला के लेके आता हूँ। ठीक है।
लगता है कोई आ रहा है। इसको जल्द से जल्द कहीं छुपाना होगा, लेकिन कहाँ छुपाऊं? बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? चल नीचे, तुझे तेरी माँ बुला रही है। पापा आप चलिए, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ जल्दी आ। जी पापा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम ठीक हो ना? हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ। अंश, कहाँ रह गया था तू? दो मिनट के लिए क्या छोड़ो, गायब ही हो जाता है। चल मेरे साथ आ जा। मैंने अंश को छुआ और उसकी आंखें ग्लो नहीं की, ये कैसे हो सकता है? डैड, मैं सर्प चंपा का पौधा ले आई हूँ और वही मिला जहाँ आपने कहा था। डैड, आप कहाँ हैं? डैड, ये तहखाने का डोर खुला क्यों है? डैड, सावी, डैड, ये सब किसने किया? मैं खोलती हूँ। नहीं सावी, नहीं। सब डैड, ये सब क्या है? डैड मैं अभी आती हूँ। सावी, सावी, लगता है पिया को पता चल गया है। हाँ पिया। अंश, तुम कहाँ हो? मैं घर से बाहर आया हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? थैंक गॉड तुम घर के बाहर हो। देखो घर के अंदर मत आना, यहाँ कोई है जो तुम्हारा रूप लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे पता है पिया, इसलिए तो मैं घर से बाहर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ अंश? पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं काम करती हूँ, मैं पापा के पास जाती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा हमें क्या करना चाहिए। नहीं 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 पिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है हमें क्या करना है। एक काम करो, तुम मुझे जंगल के पास मिलो, मैं तुम्हें वहां सब समझा दूंगा। ठीक है। तुमसे त्रिनेत्र मणि छीनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पिया। अब त्रिनेत्र मणि को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। डैड, अच्छा हुआ डैड ने मुझसे सर्प चंपा फूल लाने को कहा था। डैड ने बताया था कि सांपों को सर्प चंपा फूल की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्या कर रही हो तुम? Savi, it's working.
यू कैन डू इट। वेल डन। थैंक गॉड तुम घर पर नहीं थे। तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो रहा है। वो घर के अंदर है और तुम्हारा भेस लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है और किसी को इसके बारे में नहीं पता। और ना मैंने किसी को बताया क्योंकि क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अंश मैं क्या करूं। ऊपर से बाबा भी मेरा फोन ही उठा रहे कि उनसे पूछ लूं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं काम करती हूं, मैं उन्हें फिर से ट्राई करती हूं। अंश अंश नहीं हो।